शांति। ओम शांति, ओम शांति। परम आदरणीय दीदी मनमोहन जी के प्रति व उनके साथ में जीवन में जो अनुभव किया है उसका संक्षिप्त सार रूप में मैं कहना चाहता हूँ। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका होने के नाते बाप दादा के बहुत समीप समान व बाप समान परम आदरणीय दीदी थे। उन दिनों में मुझे अनेक बार दीदी के पर्सनल साथ मिलने का व उनके साथ यात्रा करने का, उनको साथ लेकर के बेंगलोर, मैसूर, तिरुपति आदि स्थानों पर भी जाने का, उसके बाद में दीदी को लेकर के चेन्नई, चेन्नई से त्रिवेंद्रम आदि स्थानों पर जाने का सुअवसर मिला था। ऐसी समय पर मैं दादी का बहुत अनेक एक गुण कहो, शक्ति कहो व प्रेरणा कहो, उनका अनुभव मेरे जीवन में अटूट एक छाप लगा हुआ। आदरणीय दीदी उस समय में मैं सबसे पहले एज ए गॉडली स्टूडेंट मैंने देखा ईश्वरी विश्वविद्यालय में दीदी नंबर वन गॉडली स्टूडेंट अंतिम तक रही। जब भी उन दिनों में क्लास अधिकांश हिस्ट्री हॉल जो पांडव भवन में जो अभी हिस्ट्री हॉल है उधर होता था, दीदी आकर के बड़े दादी भी क्लास कराते थे और दीदी आकर के बैठ के हर पॉइंट्स को नोट करती थी। जब भी हम लोग दीदी से मिलते थे उसी पॉइंट्स को दीदी रिपीट करती थी। इतना ही नहीं, टीचर्स को उसको डायरी भरा हुआ था, अनेक प्रकार की डायरी, बहुत डायरी भरा था, हर साल का एक एक डायरी उसको शेयर करती थी। दूसरी जो बात है, मैंने कहा दीदी और दादी जैसे दो बॉडी एक आत्मा, मैंने विचार में, संस्कारों में, समानता में, यज्ञ को चलाने में, डिसीजन लेने में व हर एक को पालना देने में दीदी दादी एक ही विचारधारा के थे और साथ साथ में मिलजुल के काम करना, डिवाइन यूनिटी के पर्सनालिटीज को मैंने देखा। दीदी बहुत नंबर वन थे, साथ साथ में किसी भी साथ जोर से बात करने का मैंने कभी नहीं देखा। बहुत मीठे भाषा में, सरल भाषा में, एक आत्मिक भाषा में दीदी बात करती थी, वो हर एक को दिल को टच करती थी। मुझे 1973 में मैं एक बार हृदय पुष्पा दादी के साथ एक एनुअल मीटिंग होता था उन दिनों में भी, और उस मीटिंग में आए थे। उन दिनों में मीटिंग हिस्ट्री हॉल में, वर्तमान समय पांडव भवन में जो आप सभी देख रहे हैं, हिस्ट्री हॉल में होता था। हिस्ट्री हॉल में जगदीश जी वो मीटिंग कंडक्ट करते थे, ऑल इंडिया सेलेक्टेड भाई बहनों का, मुख्य भाई बहनों का मीटिंग में। उन दिनों में मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आता था, मैं एक साइड में, एक पीछे साइड में बैठ करके सारी मीटिंग का ऑब्जर्व करते थे। और इन दिनों में जगदीश भाई ने फर्स्ट टाइम एक प्रपोजल लेके आए थे और दिल्ली में रामलीला मैदान में एग्जीबिशन करने का, हर स्टेट को एक एक स्टॉल बनाने का। दीदी ने मुरे को बुला करके आप क्या बनाएंगे बेंगलुरु में, बेंगलुरु वाले कर्नाटक वाले मिल करके क्या करेंगे। तब उनको हिंदी मुझे आता नहीं था, फिर भी मैं टूटी फूटी हिंदी में बोला। दीदी ने बहुत खुश होकर के मेरे को शाबाश दिया, अच्छा इनक्रेज किया। दैट इज द फर्स्ट इनक्रेजमेंट गिवन टू मी फ्रॉम द एल्डरली दीदीज। उसके बाद में अनेक बातें हैं। दीदी को हम लोगों ने बेंगलोर में आए बुलाए थे और दीदी आकर के बहुत हम लोगों को रिफ्रेशमेंट किया। उन दिनों में एक क्लास कराती थी, मुझे इतना हिंदी भी नहीं आता था, मुझे फिर भी दीदी ने सबके सभा में क्लास में बोली खीरकंड का अर्थ सुनाओ। मैंने बोला खीरकंड माना, मेरे अपनी भावना से दूध को गर्म करके इसमें शुगर डाल देना, वो खीरकंड है। सब हंसने लगे, बात में उसकी भाव अलग थी। हम सबको एक होकर के चलना, प्रेम भरी जीवन जीने के बारे में और भी स्पष्टीकरण दीदी ने कहा मेरे को हिंदी का, खीरकंड का अर्थ मैंने उस टाइम। और दीदी को एक बार, उन दिनों में कुछ कारण से कर्नाटक बंद था, हमको कार की यात्रा करना था तिरुपति तक, तिरुपति जाने थे। और अनायास भी हम लोगों को उन दिनों में एक सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस ज्ञान में भी आते थे और बहुत संपर्क में भी थे, उन्होंने पूरा एस्कॉर्ट दिया था आंध्र प्रदेश का बॉर्डर तक भी पुलिस एस्कॉर्ट। माने दीदी जहाँ भी जाती थी उनकी प्रकृति दास हो जाती थी, अर्थात प्रकृति भी उनको नमन करते थे, सहयोग मिलता था। कोई भी बात के लिए
कमी नहीं देगा। इसके लिए वह मधुमक्खी तरह सभी ब्राह्मणों को चुंबक की तरह आकर्षित करती थी। और इसके साथ साथ हम लोग बहुत यात्रा करके, तमिलनाडु में भी यात्रा करके हम लोग त्रिवेंद्रम में गए थे राजधानी। उधर एक रॉयल फैमिली का कनेक्शन था और उस रॉयल फैमिली में दादी को दीदी से मिलाया और दीदी उसके मिलते इतनी मीठी बातों में उसको पता नहीं क्या जादू लग गया उसका दृष्टि, क्योंकि दीदी का दृष्टि बहुत पावरफुल होता था। और वो लोग एक तरफ ऑलमोस्ट एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बाद में पूरा सहयोगी बने। उनकी फैमिली का रॉयल फैमिली की रॉयल माता थी, वो रॉयल माता क्लास में कभी कभी आती थी, कभी कभी उधर ही बुला करके मुरली सुनती थी रॉयल फैमिली। इस प्रकार का मैंने देखा दीदी का इम्प्रेशन किसी भी व्यक्ति से मिलती थी बहुत बड़े इम्प्रेशन वो डालते थे। जैसे मेरे अनुभव है एक उन दिनों में एक विधानसभा अध्यक्ष एक थी नागरत्नमा के नाम से पहचान थी उसका विधानसभा अध्यक्ष, वो दीदी से मिली उसके बाद में वो कंटिन्यूस क्लास में आने लगी क्योंकि दीदी का दृष्टि और उनकी मीठी भाषा उनके ऊपर बहुत प्रभाव डाला था। ऐसे कोई भी व्यक्ति दीदी के साथ मिलते थे उनकी बहुत मीठी बातों में दीदी उनको इम्प्रेशन भी करते थे। मिसाल के तौर पर मुझे याद है एक बार राजस्थान के गवर्नर माउंटबेटन आए थे और उन्होंने ओपी मेहरा और नक्की लेक में घूम रहे थे। मैंने जाकर के उसको निमंत्रण दिया। उन दिनों में दादी किसी कारण से प्रकाशमणि दादी नहीं थे, दीदी मनमोहिनी थे और उनको जाकर के बुलाया, दीदी आपको याद करती है। उन्होंने उसी राउंड करके पूरा सीधा स्ट्रेट अवे पांडव भवन में आ गए। पांडव भवन में बाबा के कमरे में गए, उसके बाद में दीदी दादियों का मीटिंग रूम था, उस मीटिंग रूम में उनको मिला गवर्नर को। फर्स्ट टाइम माउंटबेटन आए थे, उन्होंने उनकी मिसेस के साथ भी थे। उन्होंने मिलने के बाद में बहुत खुश होकर के गए और जब हर साल में जो माउंटबेटन में एक मास के लिए उन्होंने समर कैंप में आते थे और कम से कम 2-3 बार पांडव भवन में आना। उन दिनों में ज्ञान सरोवर भी नहीं था, शांति वन भी नहीं था, पांडव भवन में आना और दीदी दादी से मिलना और साथ में भोजन भी करना और ये इस प्रकार का एक होमली एक व्यक्ति बना दिया था दीदी ने। इसके लिए मुझे दीदी दादी के प्रति बहुत स्नेह सदा रहा और मुझे भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय समर्पित करने के लिए दादी दीदी मुख्य कारण है। दीदी उन दिनों में कॉन्फ्रेंस 84 में कुछ कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में, उधर के लिए भी प्रेरणा दिया। उसके बाद में 82 में हम लोग फर्स्ट टाइम मैं माउंट आबू आया यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करने में। उसके लिए दीदी ने दादी हृदय पुष्पा दादी को बोल करके इनको छुट्टी दो, इधर आ करके कुछ दिन सेवा करके जाए, और सेवा करने का प्रेरणा उन्होंने दिया, मधुबन में रुकने के लिए भी प्रेरणा दी। उसके बाद में मुझे वापस जाने के विचार था परंतु उसको भी नहीं, आप इधर ही रह करके सेवा करो, ऐसा करके दीदी ने हर प्रकार की मुझे प्रेरणा दिया। वो प्रेरणा भी हमारा जीवन में एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, एक मेमोरी है, मेमोरी भी नहीं सक्सेस स्टोरी का एक फाउंडेशन है। इसके लिए दीदी सदा उनकी दृष्टि मिला मना उस आत्मा का कल्याण हो जाना और दीदी दादी में लॉ एंड ऑर्डर अब प्रेम और नियम में बहुत स्ट्रिक्ट भी रहे और साथ साथ में उतने ही सरल भी रहे। इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय नियम को फॉलो करने में और साथ साथ में एक वृत्ति दृष्टि को एक श्रेष्ठ बनाने के चिंतन के लिए प्रेरणादायक दीदी दादी थे। और विशेष करके दीदी तो इंटरनल मैटर सब कुछ संभालती थी, दादी एक्सटर्नल मैटर संभालती थी, अर्थात दीदी हर प्रकार की टीचर्स को भी प्रेरणा दे करके उनको अपना समीप बना करके बाप समान बनाने के कार्य में बहुत, और सरल भी थे, उनके अंदर बहुत सरलता का सैंपल देखना हो तो मैंने देखा दीदी। और ऐसी पब्लिक में लोगों के लिए और बहुत अच्छे अच्छे प्रेरणा देती थी। इस दृष्टि से देखा दीदी हमारा के लिए और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक बाप दादा का बुझा और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडेशन और ब्राह्मणों के लिए सदा प्रेरणा स्रोत रही है। और मुझे भी अपने जीवन के लिए इस जीवन समर्पित जीवन जीने के लिए बहुत प्रेरणा मेरे को दीदी से मिला,
वरदान मिला, शक्ति मिला, दृष्टि मिला और आज उसी कारण से मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ सेवा करने की योग्यता और कला व हिम्मत और दृढ़ विश्वास आया है तो दीदी के कारण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति, शांति।